तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अरे कौन भाग रहा है? और अभी की सिचुएशन क्या हो गई है कि अगर यूट्यूबर बिग बॉस में आएंगे तो फिर नॉर्मली जो हम लोग स्ट्रगल वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? मतलब यूट्यूब वाले अगर बिग बॉस में आएंगे तो हम लोग का स्ट्रगल का क्या होगा और इनका स्ट्रगल का क्या होगा? यूट्यूब वालों, तुम कब करोगे स्ट्रगल? देवी जी धन्य हो गए। प्लीज ऐसा स्ट्रगल मत करो। और आपके कहने पे हम यूट्यूब वाले अपना काम धंधा बंद करते हैं क्योंकि हमारे पास के स्ट्रगल है नहीं। तो चलो भाई, काम धंधा बंद करो, स्ट्रगल करने चलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब बॉलीवुड में भी जो एक्टर के बेटे उन लोगों ने जगह बना ली, डायरेक्टरों के बेटों ने जगह बना ली। अरे तो हम क्या कर ले, डायरेक्टर का हमसे क्या मतलब है? हम तुम यूट्यूब, अरे देवी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर आपका इतना ही स्ट्रगल था तो आपने बिग बॉस 16 क्यों नहीं जीता? अरे कब आएगा आपका स्ट्रगल काम? मुझे बताओ भाई, स्ट्रगल कब काम आएगा इनका? क्या होता है स्ट्रगल? स्ट्रगल इनसे सीखो, तुम लोग के बस की स्ट्रगल नहीं है। यूट्यूब वालों, तुम अपना काम धंधा बंद करो और लग जाओ खेत जोतने में या कोई अलग काम। कुछ दीदी से सीखो स्ट्रगल, स्ट्रगल होता क्या है। सच्ची थी हम लोगों के लिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर ही ले जाएंगे उसको और उनको स्ट्रगल का पता ही नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल पूछो। स्ट्रगल का पता नहीं है हमें, हो धन्य हो देवी माता की, धन्य हो वुमेन। यूट्यूब में स्ट्रगल नहीं होता भाई, अपने आप फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है। अरे दीदी, एक बार आप प्लीज, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप एक बार खुद YouTube चैनल बना के और उसके बाद बताओ कि स्ट्रगल आपका भी स्ट्रगल कितना है, हमारा स्ट्रगल कितना है। कि YouTube वाले बिना स्ट्रगल के बिग बॉस OTT में चले जा रहे हैं। अरे बिग बॉस वालों, क्यों बुला रहे हो बिना स्ट्रगल वालों को, ये तो बताओ मेरे को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों बुला रहे हो, कौन बोलने के लिए बुला रहा है? इनको बुलाओ ना, इनको बुलाओ, इन जैसों को बुलाओ, इन जैसों को बुलाओ जिनका स्ट्रगल है उनको बुलाओ, यूट्यूब वालों को मत बुलाओ। एलविस भाई, कृपया आप ट्रॉफी वापस दो, वापस दो ट्रॉफी, मैडम जी को देना है ट्रॉफी, मैडम जी को ट्रॉफी देनी है, वापस दो आप ट्रॉफी ले जाने के आप हकदार नहीं हो, आपने स्ट्रगल नहीं किया है, ट्रॉफी वापस चाहिए बस। एलविस भाई, ये दीदी को दे दो ट्रॉफी, दीदी ने बहुत स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल, दीदी जी आप अपना स्ट्रगल तो बताएं, आपने कौन सा स्ट्रगल किया है? और स्ट्रगल तो मेरे दोस्त ऐसे करते हैं जो तीन, जो एक साइकिल में तीन तीन सिगरेट पी जाते हैं, स्ट्रगल ये होता है दोस्तों, ठीक है। स्ट्रगल ये नहीं होता यूट्यूब वाले करते हैं, जो स्ट्रगल ये होता है जो एक मिनट में तीन तीन सिगरेट पी जाए। फॉर एग्जाम्पल ये होता है स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल ये नहीं होता कि आप सुबह उठ के वीडियो बनाना स्टार्ट करो, रात तक वीडियो बनाओ, उसके बाद एडिट करो, पता नहीं कितने दिन लगते हैं एडिट करने में, ये स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल केवल ये होता है कि जो एक मिनट में तीन सिगरेट पी जाए, स्ट्रगल ये होता है। जैसे मेरा दोस्त करता है स्ट्रगल, अगर पूछो उस इंसान से जो मुंबई छोड़ के आया है, ठीक है, सही कहा, केवल मुंबई वाले स्ट्रगल करते हैं, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री वाले सीरियल वाले वही मेहनत करते हैं। और यूट्यूब वाले घर में, मतलब जो अगर गांव के होंगे और जो उत्तराखंड और दिल्ली, बम्बई नहीं, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यहाँ के यूट्यूबर्स होंगे तो वो कभी भी स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है। सुन लो दीदी की बात, सुन लो, तुम स्ट्रगल नहीं करते हो, स्ट्रगल करना सीखो दीदी से। अभी का जो बिग बॉस है ना, वो पहले का बिग बॉस नहीं रहा है।
अरे पहले का बिग बॉस नहीं, आपका अब बिग बॉस है ना जो, वो बदल गया है, वो बिग बेबी बच गया है। पहले बिग बॉस हुआ करता था बॉस, अब बिग बेबी। तो सुनो, आगे सुनो। अभी का समझो, आप अगर 20 मिलियन फॉलोअर्स को लाओगे तो आप पहले समझ जाओ कि भाई वो ही विनर करेगा, वो ही जीतेगा। आप मुझे एक बात बताओ दीदी, आप बोलना क्या चाहते हो? पहले आपने कहा कि यूट्यूब वाले स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो उन्हें स्ट्रगल के बारे में क्या पता? अब आप बोल रहे हो कि 20 मिलियन वालों को वहां आएंगे, तो उसके 20 मिलियन आए कहाँ से? तो मुझे ये तो बताओ पहले, 20 मिलियन आए कहाँ से उसके? गेम खेलना वो सब चीजें नहीं रही है, और मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता नॉर्मल पीपल आप देखो। हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, ऐश्वर्य ने स्ट्रगल किया है, मैंने स्ट्रगल किया है, हम लोग स्ट्रगल कर करके वहां तक पहुंचे हैं। तो ये तो बताओ कौन सा स्ट्रगल किया आपने, और आप बिग बॉस होना क्यों नहीं जीते? अगर आपने स्ट्रगल किया है तो क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, सही कहा, ये स्ट्रगल कर करके बिग बॉस 16 तक पहुंचे थे, पर एलिस भाई अपना बिना स्ट्रगल करते करते डाउन और बिग बॉस में जीत को घुसा, OTT में घुसा। सही कहा दीदी, आप डिजर्विंग थे, एलिस भाई नहीं, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया, उस बंदे ने स्ट्रगल थोड़ी किया है। अभी की सिचुएशन क्या हो गई है कि अगर यूट्यूबर बिग बॉस में आएंगे तो फिर नॉर्मली जो हम लोग स्ट्रगल वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? मतलब बोले अगर यूट्यूब वाले बिना स्ट्रगल वाले बिग बॉस में आएंगे तो हम जैसे जिन्होंने स्ट्रगल किया है उनका क्या होगा? तो जब आपने स्ट्रगल किया तो आप डर क्यों रहे हो? आपका वो स्ट्रगल कब काम आया ये तो बताओ, और मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे फॉलोअर्स? मेरे समझ में बात नहीं आ रही। मेरे जैसे भी आप बोल सकते हो कि स्ट्रगल नहीं किया है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप उस बंदे के लिए बोल रहे हो जिसके 20 मिलियन है, जिसके 10 मिलियन है, जिसके 15 मिलियन है, कि उसने स्ट्रगल नहीं किया है। दीदी आगे सुनो, हॉलीवुड में भी जो एक्टर के बेटे उन लोगों ने जगह बना ली, डायरेक्टरों के बेटों ने जगह बना ली, थोड़ा बहुत टीवी इंडस्ट्री बची थी हम लोगों के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर ही ले जाएंगे उसको, और उनको स्ट्रगल का पता ही नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल मतलब दीदी, स्ट्रगल का मतलब समझती क्या है? कि जो बंदा सुबह से उठ के वीडियो बनाने पे लगा रहता है, पहले वो वीडियो शूट करेगा, पता नहीं कितनी बार वो वीडियो खराब होगी, उसके बाद वो वीडियो दिन भर बनाता रहेगा, वीडियो बनाता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडिटिंग, अपने आप एडिटिंग करेगा, ठीक है, अपने आप एडिटिंग करेगा, लगा रहेगा रात भर कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, पता नहीं एडिटिंग कितनी बार सही होती है, कितनी बार गलत होती है। तो ये स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। तो उस कितनी बार उसको मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग कैसे कैसे में एडिटिंग होती है। तो आप ये बता दो कि स्ट्रगल का मतलब आप समझते क्या हो, कि स्ट्रगल क्या है? तो आप इसका मतलब भी बताना, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसका मतलब बताना कि स्ट्रगल का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। वाह दीदी वाह, अब तो आपकी दोस्त भी बता रही है कि उसने स्ट्रगल किया, फिर भी आप नहीं मानोगे, आप मानोगे नहीं क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है। ओह माय गॉड, फिजिकल, व्हाट इज दिस फिजिकल स्ट्रगल, व्हाट इज अ मेडिकल स्ट्रगल, व्हाट इज अ मेंटल, क्या स्ट्रगल? फिजिकल आप समझ आना, फिजिकल मेडिकल, फिजिकल नहीं किया आपने, ठीक है। आप घर में बैठ बैठ के वीडियो बना रहे हो बस यूट्यूब वालों, आप फिजिकल स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप कहीं जान रहे हो वीडियो बनाने, आप घर में बैठ बैठ के वीडियो बना रहे हो, ठीक है। और अब काम धंधा बंद करो अपना, दीदी ने बोल दिया, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे वो वीडियोस बनाने में इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, वो कंटेंट बनाने में टाइम। देखा, अभी भी स्ट्रगल नहीं होता है कि उसको कंटेंट बनाने में, उसको उसके बारे में मतलब सोचने में कितना टाइम लगेगा, उस वीडियो बनाने में कितना टाइम लगेगा,
ये स्ट्रगल नहीं है, ठीक है, ये भी फिजिकल स्ट्रगल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। अपने दोस्ती की भी नहीं मानेगी दीदी, ये बात याद रख लेना, दीदी को बस अपनी माननी है। वुमेन चलो करते हैं स्ट्रगल। ये देखो कितना स्ट्रगल करते हैं आप लोग मीडिया। आप कुछ बोलने के लिए नहीं रहा तो ये देखो मीडिया में कि तुम स्ट्रगल करते हो। वाह दीदी वाह, मान गए, अब मीडिया वाले भी खुश हो गए। तो दीदी अगर ये स्ट्रगल होते तो आप भी कोई मीडिया वाले हो क्या? मुझे बताओ आप मीडिया वाले हो, आपने भी ये माइक लेके गए हो क्या आगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं देखो अभी जो बिग बॉस चल रहा है 17 में ऐसा ना हो, बेचारे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? 17 में यूट्यूबर्स ना जाए, सोच लो कोई यूट्यूबर 17 में दिखना चाहिए, केवल दीदी रहेगी और दीदी जैसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, यूट्यूबर्स एक नहीं रहेगा, याद रखना। आप लोग के टाइम पे एमसी सैलरी अब मैं समझा, एमसी स्टैन का गुस्सा ये और यूट्यूबर्स में निकाला जा रहा है, समझ लो ना, समझ लो स्ट्रगल। हस्ती का मस्ती ब्रो खिला दिया ना, फुकरे के भी दोनों में देखो कंपटीशन होता है, मुझे ऐसा लगता है दोनों लड़ते रहेंगे और ट्रॉफी कोई और ले जाएगा। वाह वाह वाह, एल्विस और फुकरा इंसान लड़ते रहेंगे, ट्रॉफी कोई और ले जाएगा, वो भी दीदी जैसा जो स्ट्रगल करता है वो ट्रॉफी ले जाएगा। और ले भी कौन गया? एल्विस भाई गलत कर दिया आपने, ट्रॉफी लेके वापस दे दो दीदी को, दीदी अपने आप जिसका मन करेगा दीदी उसको दे देगी, आप खुद रख लेगी क्योंकि स्ट्रगल दीदी ने किया है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बर्थडे था अर्धनान का। अरे भाई ये माइक वाला कौन है पीछे अभी सगन था, अब यहाँ पे अर्धनान कहाँ से आ गया? अर्धनान कितनी गाली खाएगा वो, इतना बंदा तो गाली खा रहा है, ठीक है सही कहा। यूट्यूबर्स प्लीज आप लोग अपना बैग पैक करें और बंद करें सब यूट्यूब चैनल बंद रखें, और आप लोग बिग बॉस 17 में जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। यूट्यूबर्स का कोई स्ट्रगल नहीं है, दीदी से सीखें। ये वीडियो आप जरूर पहुंचाना, अगर पहुंचेगी दीदी से दीदी हमें जवाब देना कि स्ट्रगल क्या होता है। और दीदी आप बोल रहे हो ना कि यूट्यूबर्स स्ट्रगल नहीं करते और माइक वाले स्ट्रगल करते हैं, तो ये भी ये देखो ये लगाए ना, ये भी एक माइक है, ये देखो कहाँ फोन रखा है, कहाँ वीडियो बन रही है, कहाँ एडिट होगी, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, ये स्ट्रगल नहीं दीदी, आपका स्ट्रगल बस स्ट्रगल है, हमारा स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं है। और दीदी को बिग बॉस 17 में जरूर भेजना, मैं बिग बॉस वालों से भी अनुरोध करूंगा कि दीदी को जरूर लें और जी दीदी को पहले ट्रॉफी दे दें, बस बंद करें झमेला, बंद करें सब, कोई और यूट्यूबर्स को नहीं जाएगा, ठीक है, तुम्हारा स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं है। पहले तुम दिन भर वीडियो बना रहे हो, ठीक है, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाके, और उसके बाद एडिट कर रहे हो और क्या कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद एडिट में घंटों बिता रहे हो, ये स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत करके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, और जब 20 मिलियन हो जा रहे हैं तो वो भी आपका स्ट्रगल नहीं है, वो आपके ऐसे ही बढ़ रहे हैं। अरे कैरी भाई कहाँ हो कैरी? हम तो चले चश्मे पहन के, अब हम भी एक्टर हम भी बनेंगे, अब देखो एक्टर हम तो चले चश्मे पहन के एक्टर बनने, क्योंकि यूट्यूब में तो कुछ है नहीं, स्ट्रगल होता नहीं है यूट्यूब वालों का, तो हम भी चले, आप भी चलो हमारे साथ, हम भी बनेंगे सलमान खान दीदी की तरह बनेंगे, इसके हम क्लासेस लेंगे कि स्ट्रगल कैसा होता है, स्ट्रगल कैसे करते हैं। तो ये तो एक रिएक्ट वीडियो थी कि मैंने रिएक्ट दिया, जब मैंने देखा तो मैंने बोला था एक वीडियो इसमें बननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल क्या होता है मैं ये जानना चाहता, मेरे समझ में आया नहीं कि यूट्यूबर्स तो स्ट्रगल करते नहीं है, मैं ये जानना चाहता था कि स्ट्रगल होता क्या है, मतलब कि जब यूट्यूबर्स को बिना स्ट्रगल के 250 मिलियन वोट पड़ रहे हैं तो दीदी को तो उस हिसाब से अरबों वोट मिलने चाहिए थे स्ट्रगल के हिसाब से। अरे बिग बॉस वालों एमसी स्टैन को क्यों दे दे ट्रॉफी, दीदी को दो ना ट्रॉफी। तो इस वीडियो को भी यहीं पेंड करते हैं, तो एक रिएक्ट वीडियो थी, तो
अभी मैं दीदी के बारे में और देखूंगा, दीदी क्या क्या बोलती है। दीदी ने अब लास्ट में बोल रहा है एक अलग ब्लॉग में, इसके बाद वाले वीडियो में मैंने देखी कि एलविस यादव जीतेगा। तो आप समझ रहे हो ना, फैंस सब चीज कराएंगे। तो शेयर करें वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस चैनल में। रिएक्ट वीडियो, रोस्ट वीडियो अगर जितनी मेरे से बनेगी, हम भाई हम तो स्ट्रगल करते हैं नहीं, तो हमें बिना स्ट्रगल के ही सब्सक्राइब कर लो भाई। हम तो कर रहे हैं बैठ बैठ के वीडियो बना रहे हैं बस, ठीक है। दीदी लोग काम धूप में अपना ऑडियंस दे रहे होंगे, अपना कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहे होंगे, फिल्म बना रहे होंगे, तो हम लोग तो कर रहे हैं बैठ के देखे आराम से बिना स्ट्रगल के वीडियो बना रहे हैं। अभी वीडियो ऐसी मैं पोस्ट कर दूंगा, इसमें स्ट्रगल कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलो फिर, ये वीडियो भी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज करके आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद नहीं भी आई तब भी लाइक शेयर करो। और जो लोग पिछले उसमें बोल रहे थे ना कि माइक नहीं है, अरे भाई माइक है, एक कमरा थोड़ा खाली है ना, तो इस वजह से आवाज गूंज रही है, इस वजह से साफ सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।